यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से कच्चा तेल भड़क उठा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया में एनर्जी संकट बढ़ने की चेतावनी दी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ा है, जिससे क्रूड के भाव 2014 के बाद सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए प्रति बैरल तक बढ़ सकते हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट के अनुसार कच्चे तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जापान, अमेरिका सहित IEA के सदस्यों ने अपने रिजर्व में से 6 करोड़ बैरल तेल जारी करने की तैयारी की है, लेकिन यह एक दिन के तेल खपत से भी कम है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत और बढ़ सकती है। IEA ने कहा है कि अमेरिका ने अपने ऑयल रिजर्व में से 3 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी किया है। हालांकि जिस तरह दुनिया भर में तेल की खपत बढ़ रही है, रिजर्व में रखे तेल इसके लिए काफी नहीं होंगे। कोरोना से पहले दुनिया भर में रोजाना 10 करोड़ बैरल तेल की खपत हो रही थी। वहीं ग्लोबल फर्म गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने कच्चे तेल की कीमत पर भविष्यवाणी की है। इन एजेंसियों के अनुसार कच्चे तेल के दाम जल्द ही $150 प्रति बैरल को भी पार कर सकते हैं। हालांकि रूस ने अपने क्रूड के दाम रिकॉर्ड स्तर तक घटा दिए हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप की ओर से लगे प्रतिबंधों की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा है। रुझान बताते हैं कि पिछले 119 दिनों से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़त हुई है और ये 2 महीने के उच्चतम लेवल पर पहुंच गया है। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार कर गई है। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन तब से लेकर अब तक कच्चा तेल $33 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, आगे भी इसमें तेजी जारी रह सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।